तो दोस्तों, जब भी आप एक कंप्यूटर या लैपटॉप लेने के लिए जाते हैं तो आपके मन में यह सवाल आता है कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर कौन सा स्टोरेज डिवाइस होना चाहिए, जैसे कि SSD होनी चाहिए या HDD होनी चाहिए। तो आज मैं आपके इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ SSD के बारे में, HDD के बारे में। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल पवार स्टडी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लाल कलर का आपको बटन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। साथ ही में आपको घंटी का आइकन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, मैं हूं अनिल पवार। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं SSD और HDD के बारे में, आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर SSD होनी चाहिए या HDD होनी चाहिए। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं HDD के बारे में। HDD का पूरा नाम होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। इसमें जो कुछ भी डाटा सेव किया जाता है वो हमेशा इसी में रहता है। ये तब तक रहता है जब तक कि या तो आप खुद से उसे डिलीट ना करें या फिर आपकी हार्ड डिस्क खराब ना हो जाए। ये कंप्यूटर के बंद हो जाने या फिर पावर ना मिलने के बाद भी डाटा को संभाल कर रखती है। इसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। ये CPU के अंदर लगी होती है और कुछ केबल के माध्यम से लगी होती है, जैसे कि पाटा साटा के जरिए ये मदरबोर्ड से जुड़ी हुई रहती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं हार्ड डिस्क कैसे काम करती है। हार्ड डिस्क CPU के अंदर लगी रहती है। हार्ड डिस्क के अंदर भी कई सारे पार्ट्स होते हैं जो हार्ड डिस्क को चलाने में मदद करते हैं। हार्ड डिस्क डाटा को रखने के लिए मैग्नेटिक स्टोरेज का उपयोग करती है। इसमें डाटा को स्टोर करने के लिए एक या एक से अधिक गोल घूमने वाले डिस्क प्लेटर लगे होते हैं। ये प्लेटर काफ़ी पतले होते हैं जो चुंबकीय सामग्री से बने होते हैं। इन प्लेटर के अंदर कई सारे ट्रैकर्स जो कि सेक्टर होते हैं, ये सब स्प्लेटर की मदद से घूमते हैं। जब प्लेटर घूमना शुरू करता है तो हार्ड डिस्क में लगा एक रीड एंड राइट आर्म ऊपर की ओर जो कि दाएं से बाएं घूमना शुरू करता है। जबकि जितनी ज़्यादा गति से प्लेटर घूमेगा, डिस्क में डाटा उतनी ही गति से स्टोर हो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं SSD के बारे में। SSD का पूरा नाम होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है। जिस तरीके से HDD एक स्टोरेज डिवाइस है, उसी तरीके से SSD भी एक स्टोरेज डिवाइस है। SSD में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। ये तब भी काम करती है जब कोई पावर ना मिले। SSD में नेट बेस्ड फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सिस्टम में ऑफ होने के बाद भी ये डाटा को खोने नहीं देता है। इसकी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, जिससे कि इनके खराब होने की संभावना कम होती है। और SSD पेन ड्राइव और मेमोरी के जैसे ही काम करती है। इसकी स्पीड HDD से कई गुना ज़्यादा होती है, पर इसकी कीमत HDD से 3 से 4 गुना ज़्यादा होती है। इसलिए आप देखोगे कि जिन लैपटॉप में SSD होती है वो काफ़ी महंगे होते हैं। साइज में SSD और HDD दोनों बराबर होती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं SSD और HDD में क्या अंतर होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं स्पीड के बारे में। SSD की सबसे खासियत यह है कि इसमें मिलने वाली स्पीड HDD के मुकाबले SSD काफ़ी फास्ट स्पीड देता है। HDD में जहां आपका PC या लैपटॉप मिनटों में बूट होता है, वहीं SSD में काम जो कि सेकेंडों में हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने या फिर कोई फाइल को ओपन करने में HDD को काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। और किसी फाइल को कॉपी या राइट करने के लिए स्पीड के बारे में हम बात करें तो HDD की जो स्पीड होती है 50 से 120 MBPS तक होती है। और वहीं पर हम SSD के बारे में बात करें तो SSD की जो स्पीड होती है 200 MBPS से लेकर के 600 MBPS तक होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइस के बारे में। SSD और HDD की प्राइस काफ़ी ज़्यादा होती है। SSD लगभग 4 से 5 गुना महंगी होती है HDD के मुकाबले। 1 TB HDD जहां पर 3 से 4 हज़ार रुपये में आपको मिल जाती है, वहीं पर हम बात करें तो SSD के बारे में जो कि 3 से 4 हज़ार रुपये में आपको 120 से 256 GB तक आपको स्टोरेज की क्षमता आपको मिल जाएगी SSD के अंदर। HDD के अंदर जो भी आपका डाटा है वो डाटा लॉस होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। जब भी आपका कंप्यूटर या लैपटॉप गिर जाता है या आपकी HDD गिर जाती है, तो उसमें जो डाटा है आपके जो भी HDD के अंदर डाटा है वो आपके डाटा वो लॉस होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। और इसकी लाइफ के बारे में हम बात करें तो HDD की, तो इसकी लाइफ होती है 5 से 6 साल तक होती है। फिर बाद में ये खराब होने की ज़्यादा कैपेसिटी हो जाती है। और वहीं पर SSD के बारे में बात करें तो SSD के अंदर जो भी आपका डाटा है वो डाटा लॉस नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर किसी प्रकार का कोई मूवेबल पार्ट नहीं है और ये डाटा सेफ रखती है। जब भी आपका कंप्यूटर या लैपटॉप गिर जाता है, उसके अंदर SSD है तो वो डाटा सेफ रखती है और ये इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।